सुबह सुबह उठकर सबसे पहला काम स्टीम लेना, बच्चों को स्टीम दिलाना। ये भी रेगुलर रूटीन में हम शामिल कर रहे हैं इसको, कि हम सबसे पहले उठ के स्टीम लें, स्टीम के बाद कोई दूसरा काम चालू करेंगे हम। हकीकत में सो के उठी हूँ। अगर आप मेरा ब्लॉग सब्सक्राइब और बेल आइकन और लाइक शेयर नहीं करेंगे तो मैं नहीं रहा। जयशु, हाय, गुड मॉर्निंग। जयशु बोल रही हैं कि अगर आपने मेरा ब्लॉग आज का लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं नहाऊंगी नहीं। तो भाई कर लो सब्सक्राइब और जयशु को नहाने दो आज, क्योंकि अगर जयशु नहाएंगी नहीं तो जयशु खेलेंगी नहीं, और जयशु खेलेंगी नहीं तो अगर बच्चे ना खेलें तो हो जाएंगे बोर। मम्मी पानी दे दो। पापा। बेटा सुनो, जो मैं सोती हूँ कुछ कुछ अजीब सा दिखता है, जब मम्मी कुछ अजीब सा दिखता है मेरी आँखों में। मुझे क्या दिखता है अजीब सबको? कुछ गोल गोल ऐसे गोल गोल दिखता है। हाँ चाची, वो पतली है। अच्छा अच्छा, चलिए मम्मी पानी ले आई हैं तो गरम गरम पानी पीना है हमको भी, पीना है हमको भी पीना है, जशु को पीना है, क्योंकि जब तक ये कोविड का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, हम लोगों ने प्रॉमिस किया है एक दूसरे से कि हम सभी लोग गरम पानी पियेंगे, गरम खाना खाएंगे और आइसक्रीम नहीं खाएंगे, बर्फ़ का गोला भी नहीं खाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम का बर्फ़ का गोला खाया था उसके बाद मुझे कोविड हो गया था, ठंडा ठंडा खा लिया था हमने। क्या खा रही हो बेटी? आगे हो, थोड़ा आगे हो, झुको झुको, थोड़ा थोड़ा झुको। आइसक्रीम नहीं बोलते इसको, गोला बोलते हैं बिटिया। ओ बेटा जी, उसका मन था ही खत्म हो गया। ओ बेटा जी, ओ बाबा जी की मत क्या करना कब करम। ओ बेटा जी, ओ पापा जी, किसने क्या कर रहे हैं कभी कम। ओ तरुष अभी तक सो रहे हैं? तरुष कब तक उठने वाले हो बेटा? पापा कल शाम को मैं, मतलब आज शाम को मैं तय क्या खाऊंगी? हजमोला। हजमोला कहाँ है बेटा? पूछा। अच्छा हजमोला आ गया है? हाँ। क्यों हजमोला खाओगी आप? आपका पेट खराब है क्या? खराब तो नहीं है, बहुत ही। आपको अच्छा लगता है आज बोला? तरोज बेटा आपको तो पता ही होगा फार कोरोना फैला है, अगर फार से कई लोग आए, आपके माँ पापा भी, मम्मा भी, कोई भी आए, तो भी आपको अपने बच्चों को अंतर रखना चाहिए। अगर कोई लोग फंसा गए और फ्रेंड्स रख के बच गया तो कोरोना हमारे बूढ़े घर में आ जाए। आज हमने योगा भी नहीं किया, आज हमने जंपिंग भी नहीं किया, जबकि हमने कल रात में प्रॉमिस किया था कि हम सुबह उठ के योगा एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। पर ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा? घर के बहुत सारे काम थे उनको निपटाने के लिए बाहर निकलना पड़ा। वैसे प्रिकॉशन के साथ में निकल रहा हूँ, मैं ट्राई यही करता हूँ कि बाहर घर से ज़्यादा ना निकला जाए, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए निकलना ही पड़ जाता है। सड़क पर लोग आ जा रहे हैं लेकिन इतनी चहल पहल नहीं है, ऑटो भी चल रहे हैं, लेकिन मन के अंदर डर इतना बैठा हुआ है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि लाइफ में क्या होने वाला है, क्या होगा। दुकानें तो मोस्टली सारी बंद लग रही हैं, काफी लोग मास्क में घूम रहे हैं देख रहा हूँ, और कुछ लोगों ने मास्क अभी भी नहीं लगाया इतनी प्रॉब्लम के बावजूद भी, लेकिन हाँ मोस्टली लोग मास्क लगा के रख रहे हैं। काम निपटा लिया, अभी जा रहा हूँ घर की तरफ। रोड पे डर का माहौल इतना ज्यादा है कि मुझे डबल मास्क लगाना पड़ गया, इसे जहाँ पे मैं गया था जिस काम के लिए वहाँ पे लोगों ने मास्क लगा के रखा था तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं था। उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि हाँ एक मास्क और मैं ऊपर से लगा लेता हूँ कि जरा भी कोई चांसेस ना रहे इन्फेक्शन के, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी उठाऊँ, बहुत ही जल्दी उठाऊँ मैं इस इन्फेक्शन से, तो मैंने कोई रिस्क लेना उचित नहीं समझा।
हाँ डबल मास्क में थोड़ी सी घुटन होती है क्योंकि ब्रीदिंग उतनी बेहतर नहीं हो पा रही है। कोरोना से ज्यादा कोरोना का दहशत फैला हुआ है दिलों में। सड़कों पे जिस तरह की गाड़ियां दिखती थी पहले उतनी गाड़ियां नहीं दिख रही हैं। मंजू ने बोला था कुछ दवाइयां ले आना बाहर जा रहे हो तो, क्योंकि मेडिकल स्टोर अगर खुली होंगी और फ्रूट्स भी लेके आने थे, तो फ्रूट्स की दुकानें तो कहीं दिख नहीं रही हैं खुली हुई क्योंकि लॉकडाउन तो लगा ही हुआ है। तो दवाइयां भी मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि दवाइयों का पर्चा जो है मैं घर पे ही बुलाया हूं, तो मैं दवाइयां नहीं ले रहा हूं। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीने से लथपथ हो गया हूं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर और डबल मास्क लगाने की वजह से और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसी सिचुएशन में घर से बाहर निकलना, मास्क लगाना डबल ट्रिपल, लेकिन अगर अपने आप को बचाना है तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, बॉडी को कष्ट देना ही पड़ेगा क्योंकि ये कष्ट उतना नहीं है जितना कोरोना इन्फेक्शन के बाद होता है। दूध भी लेना था लेकिन दुकानें बंद हैं तो दूध तो हम ले नहीं पाएंगे। वैसे एक खुली हुई है, मैं ट्राई करता हूँ अगर मिल जाए। मम्मी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, पापा ने अपनी चेयर मुझसे छीन ली। कह रहे हैं मेरी चेयर है, इसे मत बैठो, स्टूल मेरा खुद ने ले लिया। अभी रुको मैं लाता हूँ चेयर। बेटा पनीर बनाने के लिए हमें दूध से छेना निकालना पड़ता है, तभी तो पनीर बनता है। उसके लिए उसमें कुछ खट्टी चीज डालनी पड़ती है जिससे दूध में से पानी और पनीर अलग अलग हो सके। हाँ।